दोस्तों नमस्कार। लीजिए, बहुत ही ख़ास पेशकश आज आप लोगों के लिए। सिर्फ एटॉमिक के वजह से नहीं, बल्कि आपके पूरी ज़िंदगी में, आपके ज़िंदगी को खूबसूरत और अच्छा बनाने वाला ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। ये वीडियो अपने आप में एक बहुत ही कामयाब और बहुत ही कीमती वीडियो है। इसको प्रस्तुत करने वाले हैं हमारे एटॉमिक के MD डॉक्टर MD अब्राहम ली। बहुत ही नॉलेज और बहुत ही खूबियों से भरे हुए इंसान हैं वो। उनके बारे में आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि वो हमारे एटॉमी के MD हैं। वो 2002 में IIT खड़गपुर से पढ़े हुए हैं और यहाँ से चले गए साउथ कोरिया। वहाँ पे जाके डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिकल साइंस कैस्ट कोरिया से पढ़ाई की। उसके बाद 2012 में उन्हें LG कोरिया LG का ग्लोबल एरिया मैनेजर बनाया गया। 12 से लेकर 19 तक उन्होंने सैमसंग में पूरे वर्ल्ड का एरिया मैनेजर, ग्लोबल एरिया मैनेजर का नेतृत्व किया। और अब उसके बाद से इतने अनुभवी व्यक्ति हमारे सामने ये एटोमी का MD अगर बनकर आपको अपने प्रस्तुत ज़िंदगी हैं। में, अपने बिजनेस में, अपने काम में कामयाब होना है तो अपना कीमती समय में से आधे घंटे निकाल कर इस वीडियो को ज़रूर सुने और उसे अपने ज़िंदगी में अमल करने की कोशिश करें। सक्सेस का मूल मंत्र, सक्सेस सिनेरियो, की ऑफ सक्सेस आप कह सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो एंड नमस्ते। फिर एक बार आपके सामने अब्राहम ली। इस बार मैं आपके साथ एक बहुत ही सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ। सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलता का सीक्रेट। हमारे एटोमी में डॉक्टर हान गिल पार्क, हमारे चेयरमैन, ये पहले भी बहुत बार बोल चुके हैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस। बट आज इंडिया के हिसाब से बना के, इंडिया का जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सीक्रेट ऑफ सक्सेस। के पहले पहले देखते हैं कि हमारा जीवन कैसे है। अगर आप नॉर्मल हिसाब से देखते हो, हमारा एवरेज जो आयु है वो है 70 इयर्स, 70 साल है इंडिया में, जीरो से स्टार्ट हुआ। अब एडुकेशन जो अब हम लोग लेते हैं वो 22 साल या 25 साल तक करते हैं, 22 साल या 25 साल में, यहाँ पे 25 साल लिया। 25 साल के बाद एवरेज जो है 58 साल तक हम लोग काम कर सकते हैं ऑफिशियली। सो 0 to 25 हो गया एडुकेशन, 25 से लेके 58 साल तक आप हार्ड वर्किंग करते हैं, फैमिली के लिए हार्ड वर्किंग करते हैं, बाहर जाके काम करते हैं, कोई दूसरे शहर में जाते हैं। और इसके बाद का जो 12 साल है वो तो बहुत ही डिफिकल्ट है। एक तो काम नहीं है और रिटायर्ड एज में कैसे करके हमारा बुढ़ापा गुजारे, उसके लिए हमेशा हम लोग वरी करते हैं। अब आपको एक आंकड़ा देते हैं। हमारा पूरा स्टैटिस्टिक्स देखने के बाद ये पता चला है कि 1% जो हैं, मतलब 100 में से एक जो हैं, उनका फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आप देखोगे आपके बैचमेट, कॉलेज के बैचमेट, उसमें से एक बंदा जो होता है हमेशा सक्सेसफुल होता है। या फिर आपके गांव में भी देख लो, एक बंदा फाइनेंशियली बहुत ही स्टेबल होता है। 4% जो होते हैं, 4% जो होते हैं उसका सही तरीके से चल जाता है। इसको 1% को सक्सेसफुल बोलते हैं और ये मीडियम सक्सेसफुल। पंद्रह परसेंट जो है वो 70 साल के पहुंचने के पहले गुजर जाते हैं, सॉरी फॉर देम। 10% जो है वो डेली वेजेस में काम करते हैं, पर डे बेसिस में। ये भी
किसी तरीके से चल जाता है मगर एकदम सब पुअर नहीं है। और यहाँ से आप ये 30% आप यहाँ से निकाल दोगे तो होता है आपका 70%। 70% जो है हमारे पॉपुलेशन में वो रियली पुअर है। अगर आप 100% लेके देखो तो ये सिर्फ 1% जो है ये सक्सेसफुल हो, मतलब 100 में से एक बंदा ही सक्सेसफुल होता है। कभी आप ऐसे सोचे हो क्यों? उस बंदे में क्या है या फिर वो कैसे सोचता है कि वो सक्सेसफुल है? हमारे चेयरमैन बोलते हैं, जब वो एग्जाम्पल देते हैं, वो एंड्रू कार्नेगी करके एक अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में बोलते हैं। वो एक गरीब घर में पैदा हुआ था, बहुत ही गरीब घर में पैदा हुआ, मगर वो बहुत ही अमीर बना और सक्सेसफुल रहा। जब उसे पूछा गया कि आप ये सक्सेसफुल एक्सीडेंटली बने हो, बस बन गए, या फिर आपके पास भी कोई सीक्रेट है, बंदा जो कार्नेगी थे, कार्नेगी ने बहुत सोचा, सोचने के बाद ये कंक्लूड किया कि वो अगर 10 बार गरीब घर में पैदा होते, वो अगर 20 बार भी गरीब घर में पैदा होते, फिर भी वो सक्सेसफुल बन सकते हैं। ये उनका सीक्रेट ऑफ सक्सेस है। वैसे ही हर सक्सेस का मंत्र होता है, सक्सेस का नीति होता है, सक्सेस का नियम होता है। इसको स्टीवन कोवे इज अ बिग राइटर, उनके हिसाब से बोलते हैं ट्रू नॉर्थ प्रिंसिपल, उत्तर दिशा का प्रिंसिपल होता है। इसका मतलब क्या होता है? आपको अगर पूछा जाए कि यहाँ का उत्तर कौन किस तरफ है, इस तरफ, आपको कॉम्पस लेके आना पड़ेगा और देखिएगा कि नॉर्थ किस तरफ है, वो इस तरफ है। आप कॉम्पस लेके आए या ना ले आए, नॉर्थ इस तरफ है, वो चेंज कभी नहीं होता है। वैसे ही सक्सेस का जो नियम है वो चेंज नहीं होता है। इसको अगर नॉर्मल बात में बोला जाए तो इसको लॉज ऑफ नेचर भी बोला जाता है। लॉज ऑफ नेचर क्या होता है? जैसे पानी ऊपर से नीचे आता है, सूरज पूर्व से पश्चिम में जाता है, मतलब पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, ये चेंज नहीं होता है। इसको बोलते हैं लॉज ऑफ नेचर। अगर और थोड़ा आपको देखा जाए तो ये लॉज ऑफ नेचर जो है ये लॉ ऑफ फार्मिंग, कृषि का नियम के हिसाब से जाता है। कृषि का नियम क्या है? आप एक किसी भी चासी से, किसी भी कृषि जो करता है उनसे आप पूछिए, फार्मिंग जो करता है, वो बताएंगे कि फार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कब, कितना और क्या उगाने वाले हैं। सबसे पहला आता है क्या उगाना है, व्हाट, कितना, हाउ मच। फिर आता है कब तक, अगर आपको चावल राइस अगर आपको उगाना है या फिर आपको गेहूं उगाना है, आप गेहूं उगाने के जगह में चावल नहीं उगा सकते हैं, आपका प्रिपरेशन भी गेहूं के तरह ही होना पड़ेगा। आपको अगर मैंगो ट्री लगाना है तो आप इसी साल उससे मैंगो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए टाइम लगेगा। और कितना आपको, 10 क्विंटल या फिर 1 क्विंटल आपको चावल चाहिए तो उसके हिसाब से आपका ज़मीन चाहिए होगा, उसको सींचना पड़ेगा, उसके लिए बीज ले आना पड़ेगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो सब चीज़ सिर्फ डिपेंड करता है हमारे जो खेतीबाड़ी करने वाले हैं, हमारे जो फार्मिंग करते हैं, उनके दिमाग से आता है, ये कहीं बीज से नहीं आता है। इसीलिए इसको बोलते हैं द लॉ ऑफ फार्मिंग। अगर आपको बुनना है, अगर आपको राइस करना है, अब चावल आपको बुनना है, तो आपको पहले ही सोच लेना पड़ेगा क्या, कितने और कब तक मुझे चावल घर तक मेरा आना चाहिए। वैसे ही सक्सेस का जो है नियम होता है, रीत होता है। आपको ये वाला बात दिमाग में ठान लेना चाहिए कि मैं 3 से 4 साल बाद मेरा ये पोजीशन क्या होगा, मेरा मंथली इनकम क्या होगा। ये कॉन्फिडेंस आपको आ जाना चाहिए, आपके दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि मैं 3 साल बाद हर मंथ 5 लाख रुपया कमाऊंगा।
एटमी इसीलिए आपको हेल्प करने के लिए आया हुआ है कि आप अपना खुद पैर में खड़े होए और हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू देके आप सक्सेसफुल बनिए। तो ये रहा सीक्रेट ऑफ सक्सेस, मगर कैसे आपके दिमाग में कैसे ये करिएगा, हाउ? इसके लिए हमें खुद को एज ए ह्यूमन, एज ए मानुष हिसाब से खुद को जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको और डिटेल्स में ले जाता हूं। मैं एज ए ह्यूमन, आप एज ए ह्यूमन कैसे बने हुए हैं हम लोग? हमारे अंदर फ्लैश है, मांस है, मांस आप देख रहे हो, ये देख रहे हो इधर, ये भी देख रहे हो, ये मांस है, इसको फ्लैश इंग्लिश में बोल रहे हैं। स्पिरिट, अंतरात्मा, आत्मा, सोल, और एनवायरमेंट है। देखिए, आप फ्लैश के लिए क्या चाहिए? मुझे आराम का जरूरत होता है, खाने का अच्छा खाना जरूरत होता है, हर किसी के लिए है ये। आप अच्छा खाना खाओगे, आप अपना हेल्थ का ध्यान रखोगे, तभी जाके आप चमकोगे। आपका उम्र अगर 43 साल हो जाएगा फिर भी आप बच्चे जैसे दिखोगे। वो आपको सही तरीके से पोषण चाहिए होगा, आपको लग्जरियस लाइफ के लिए आप हमेशा चाहते रहेंगे, वो फ्लैश में आता है। अंतरात्मा, अंतरात्मा, देखिए आत्मा और अंतरात्मा में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप अगर जानवरों को देखोगे, उनके अंदर भी तो है, आत्मा रहता है, मगर वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है टाइम का। जैसे मेरा कितना टाइम हो गया है, मैं बुढ़ा हो रहा हूँ, वो थोड़े दिन बाद मैं भी चल बसूंगा। इस ये लेके कोई आपने देखा है कभी जानवरों ने ऐसे करके सोच रहा है, अरे मैं तो बुढ़ा हो गया, मैं तो अब नहीं रहूंगा यहाँ पे, कैसे करके रहूंगा, मैं तो गया, मेरा बचपन कितना अच्छा गुजरा था। ये लोग सोचते नहीं है, वो लोग सोचते हैं क्या, वो लोग सोल के तरह सोचते हैं, जैसे कि आपको बोला आत्मा की तरह, मुझे भूख लगी है, खाना है, या फिर कट गया, अरे बहुत पेन हो रहा है, ये सोल के हिसाब से होता है। हमारा ये अंदर अंतरात्मा है, वो कैसे बोलता है, गरीब को देख के आपको आंख में पानी होता है, वो अंतरात्मा है। आपका फैमिली को टेक केयर करना है, या फिर आपका रिलेटिव को भी आप टेक केयर करते हो, वो आपका अंतरात्मा बताता है कि अच्छे काम करने के लिए। ये इसीलिए हमारे डिफरेंट है। सो अगर हम लोग देखा जाए तो फ्लैश में क्या होता है, फूड आता है, जैसे कि आपको बताया, इसके अंदर और क्या आता है, इसके अंदर आता है हमारा क्लोथ आ जाता है, ये सब फिजिकल चीज हमारे लिए जरूरी होता है। स्पिरिट में क्या आता है, स्पिरिट में जैसे कि आपको बताया है, आपके पेरेंट्स को हेल्प करने का, आपके रिलेटिव्स को हेल्प करने का, सिर्फ ये नहीं, आपको कुछ लर्निंग करना है, ये सब जो होता है स्पिरिट में आ गया। सोल में क्या है, आप अभी तबीयत खराब हो गया, आपको पैसे की जरूरत है, या फिर आपको कट गया, सातों साथ आपको क्योर करना है, या फिर ट्रेवल अच्छा लगता है, जो सब चीज। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट जो है आपका आसपास का लोग हो गए, आप अपना फैमिली केयर करने के बाद आप देखते हो स्कूल है आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके गांव में स्कूल है, बहुत ही गरीब स्कूल है, वहाँ पे बरसात में आसमान से पानी आता है, वो देख के आपको दुख हुआ और आप जाके बोले कि मैं इसको रिपेयर कर दूंगा, ये आपका एनवायरमेंट। आप कैसे करके आप वापस दे रहे हो, आप अपना सोसाइटी को वापस दे रहे हो, इसको जो है डोनेशन ऐसे करके आते हैं। अगर इसको मैं प्लॉट करूं, ये हो गया आपका फ्लैश, प्लीज आप हैंडराइटिंग में मत जाइएगा, मेरा हैंडराइटिंग बहुत ही खराब है। ये हो गया स्पिरिट और ये हो गया सोल, ये कनेक्टेड है सब कुछ।
आप हर जगह पे, हर सर्किल पे आप सेटिस्फाइड हो, तो आपका लाइफ बहुत ही सुंदर है, आपका लाइफ सक्सेसफुल है। सिर्फ एक जगह पे आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आपके पास बहुत पैसा है, बहुत गाड़ी है, प्यार नहीं है, यहाँ पे माइनस लाभ कर दो, इसका फायदा क्या? कुछ दिन बाद आप चल बसोगे, गाड़ी भी गया, सब कुछ गया। लव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पास लव है, स्पिरिट है, आप दूसरे का कोई हेल्प ही नहीं करते, उसका क्या फायदा? आप अपने पेरेंट्स को देखभाल नहीं कर सकते हो, वो पैसे लेके आप क्या करोगे? और ये रहा आपका एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में भी आपका डोनेशन आता है, कहीं पे स्कूल पे आप भला काम कर जाए ये आता है। सो ये जब सिमेट्री के लिए आप सब कुछ सब फील्ड में सही चलेगा, तभी आप अपना सक्सेसफुल लाइफ कहला सकते हो। ये हमारे डॉक्टर हान गिल पार्क ऑलरेडी बोल चुके हैं बहुत सारा वीडियो में। अब थोड़ा और डीप जाते हैं कि समझ तो गया, लॉ ऑफ सक्सेस भी समझ में आ गया कि मुझे क्या सोचना है सक्सेस के लिए। अब लाइफ में सक्सेसफुल होने का क्या क्या चीज रहने से मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं वो भी समझ में आ गया, मगर करे तो कैसे करे? हमारे पास जो है एक सीक्रेट है जिसको बोलते हैं लाइफ सिनारियो। आपका लाइफ सिनारियो, आप 5 साल बाद क्या होना चाहते हो, उसका मूवी आपके दिमाग में हर वक्त रहना चाहिए। वही होता है लॉ ऑफ सक्सेस, क्योंकि आपको पता है आप कहाँ जाना है। आपको कहावत है, मूवीज में भी बोलते हैं और बुक्स में भी लिखा हुआ है, आप जब कुछ तय दिल से ख्वाहिश करते हो तो पूरे कायनात आपको देने के लिए तैयार हो जाता है। वैसे कंपनीज में बहुत अच्छी तरीके से चलता है ये, MBOs रहते हैं वहाँ पे, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव पहले फिक्स कर दिया और उसको मैनेज करते हुए जाते हैं। मतलब आपको दिया जाता है कि इस साल आप 10 करोड़ सेल कर दो, दूसरे कंपनी के बारे में बोल रहे हैं हम। मेरा पुराना कंपनीज में भी ऐसे ही था, MBOs दे देते थे 1 जनवरी को, इवैल्यूएशन होगा दिसंबर महीना में, तो आपको MBOs दिए गया और उसमें से क्या बोलते थे, चलो आप इसी को फॉलो करते रहो। और देखिएगा, जब आपको 10 करोड़ टारगेट दिया तो पहुँचते पहुँचते हर 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 व्यक्ति जो रहता है वो 9 करोड़ तक पहुँच जाता है, कभी 10 करोड़ तक पहुँच जाता है, कभी 11 करोड़ तक पहुँच जाता है। उसको पता होता है कि उसको वहाँ पे पहुँचना है। ये कंपनीज में बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन होता है, मगर मेंटेन नहीं होता है तो हमारे लाइफ में नहीं होता है। समझ रहे हो ना? सो इसीलिए हमारा लाइफ में हम लोग चेंज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? लाइफ सिनारियो को थ्रू देखे। तो मैं आपको अब बताता हूँ कि आप अपना जो लाइफ का मूवी है, आप 5 साल बाद क्या करने वाले हो, आप 5 साल बाद किस जगह पे पहुँचने वाले हो, वो मूवी के तरह आपके पास होना चाहिए। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप ना आँख बंद कीजिए थोड़ा, अच्छा नहीं खुला रखिए, ठीक है आप खुला रखिए, मुझे देखिए ठीक से। इमली के बारे में सोचिए, हमारे घर में किसी ने पेड़ से बहुत ही तामे रंग का इमली लेके आया हुआ है, खट्टा, नमक देके उसे खाने से बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही खट्टा। आया मुंह में पानी? थोड़ा सा तो आया होगा, सुन के आ गया पानी? दिखने से और सुनने से आपका मुंह में सिमिलर वे में आपका ब्रेन में काम करता है और मुंह में पानी आता है, सेम होता है। आप अगर वैसे ही बिहेव करते हो कि मैं तो मिलीनियर हूं, मैं तो करोड़पति हूं, तो पूरे कायनात आपके लिए चेंज हो जाएगा। आपका मुंह में जैसे अभी बिना इमली का पानी आया, उसी तरीके से पूरे कायनात आपको सफलता के लिए हेल्प करने के लिए कोशिश करेगा। इसीलिए आपका मूवी बनना बहुत ही जरूरी है। चलिए आपका लाइफ का मूवी कैसे बनाते हैं दिखाते हैं। थोड़ा अच्छा नहीं हुआ, फिर से करते हैं, ऊपर चला गया। ये है आप,
ये है बहुत सारी चीज़ें जिसके जो फुलफिल होने से आपका लाइफ सक्सेसफुल होता है। आप इसको हम लोग लाइफ सिनेरियो बोलते हैं, आपके पास पहुंच जाएगा बहुत जल्दी। तो इसमें आप लगते हो इनकम कितना होगा मेरा, ठीक है, इनकम। इनकम के बाद हो गया कार। इनकम से क्या कैसे होगा, ये वाला फ्लैश के ऊपर डायरेक्टली आएगा। इनकम हो गया कार। आप डिटेल्स में लिखो, मुझे 5 साल बाद, छोड़िए 5 साल, 3 साल बाद महीने में 5 लाख रुपया चाहिए ही चाहिए, ये मेरा इनकम का टारगेट है। 5 साल बाद ऐसे मत लिखिएगा, अभी से अगर पकड़ते हैं तो 2026 लिखिएगा, क्योंकि अभी 5 साल लिखिएगा तो नेक्स्ट साल भी बोलिएगा 5 साल बाद ही तो करना है। 2026 में 5 लाख पर मंथ, ठीक है। कार, अच्छा गाड़ी कौन सा चाहिए? आप अगर अभी तक सोचे नहीं हो गाड़ी कौन सा चाहिए तो सोच लीजिए, क्योंकि किसी से भी पूछे तो ये गाड़ी चाहिए क्या, वो बोलता है हाँ मुझे ना लाल कलर का चाहिए। कौन सा ब्रांड का चाहिए, कोई भी चलेगा, एनीथिंग। इसका मतलब है कि हमारा जो डिटेल्स में जो ड्रीम है वो अभी उभर के नहीं आया। ये ड्रीम कभी भी फुलफिल नहीं हो सकता है। आपको अगर गाड़ी चाहिए, आप अगर टाटा का गाड़ी खरीदिएगा, महिंद्रा का गाड़ी खरीदिएगा, या फिर टोयोटा का खरीदिएगा, या फिर हुंडई का खरीदिएगा, किसी भी कंपनी का खरीदिएगा, तो उसका मॉडल नंबर क्या है, उसका वर्जन क्या है, वो कब तक निकला हुआ था, इसको आपको पूरा डिटेल्स में पता होना चाहिए। कितने सीटर का रहेगा, सेम कार 7 सीटर का भी आता है, सेम कार 8 सीटर का भी आता है, सेम कार 6 सीटर का भी आता है। कितने सीटर रहेगा, उसका कलर क्या होगा, उसका प्राइस क्या है, आपको डिटेल्स में लिखना है। कंपनी कौन सा कंपनी का है, उसका वैल्यू कितना है, उसका कलर क्या है, और उसका कीमत कितना है। अच्छा कीमत हम लोग कवर कर लिया, ये डिटेल्स में आपको लिखना है। और कब चाहिए, अच्छा 2023 तक मुझे चाहिए, डिटेल्स में चाहिए आपको, ये लिखना। थर्ड पॉइंट में आते हैं, हाउस चाहिए, घर। आप 40 साल या फिर 45 साल का, 35 साल का भी, किसी भी लड़के को आप पूछिएगा, आपको घर का ज़रूरत नहीं है, आप पहले से बोलेगा हाँ मुझे एक घर का ज़रूरत है, मैं तो ना कुछ ही दिनों में एक घर खरीदने वाला हूँ, बैंक से लोन लेता लेने वाला हूँ, मैं EMI भी भरता रहूँगा। आपको ऐसा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। पहले तो आप सोच लीजिए कौन से अपार्टमेंट में आप घर खरीदिएगा, कितने, उसका साइज़ क्या रहेगा। आपका अगर अभी 500 स्क्वायर फीट है या फिर 700 स्क्वायर फीट है, तो आप 2023 तक 2000 स्क्वायर फुट चाहिए, कहां पे चाहिए, कौन सा अपार्टमेंट, कौन सा अपार्टमेंट, श्रीकृष्ण अपार्टमेंट, कौन सा फ्लोर में चाहिए, कौन सा फेस में चाहिए, आपको ईस्ट फेस चाहिए या फिर साउथ फेस चाहिए, कितना रूम रहेगा उसमें, 3 बेडरूम रहेगा, 3 बाथरूम रहेगा, या फिर 3 बेडरूम 2 टॉयलेट, ऐसे करके आपको डिटेल्स में होना चाहिए। इनकम हो गया, कार हो गया, हाउस हो गया, इसके बाद देखते हैं कैश। आपके पास थोड़ा कैश रहेगा तो अच्छा है ना, 1 करोड़, किसी भी प्रॉब्लम आया तो चलो मेरे पास तो पैसा है, मैं कुछ करके निकल जाता हूँ, 1 करोड़। रुपीस में कब तक चाहिए, डिटेल्स में आपको लिखना पड़ेगा। चलो आपके पास 4 चीज हो गया, इसके बाद लर्निंग में जाते हैं।
लर्निंग आपके लिए भी हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर के लिए भी हो सकता है, आपके बच्चे के लिए भी हो सकता है। मगर आपको क्या पढ़ना है, देखिए पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता है। बहुत सारे हमारे जो मेंबर्स भी हैं, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर, वो आके बोलते हैं मैं ना बाद में MBA करूँगा। तो MBA करिए आप, 40 साल हो गया, 50 साल हो गया, आपका लर्निंग का अगर विश है आप MBA कीजिए। ऐसा नहीं तो आप दूसरा कोई लैंग्वेज सीखिए। वैसे भी एटमी इंडिया में लॉन्च होने के बाद हम लोग यूरोप में जाने वाले हैं, तो आपको तो जर्मन आपको सीखना पड़ेगा। अगर इंग्लिश में आप वीक हो तो इंग्लिश आपको सीखना पड़ेगा, तभी ना आप कम्युनिकेशन सही तरीके से कर पाओगे। आपको अगर सीखना है तो कौन सा लैंग्वेज आप सीखोगे, विच लैंग्वेज, कब तक सीखोगे आप, इसके लिए आप कितने टाइम दोगे पर डे में, वो एकदम डिटेल्स में आप लिखो। मैं बताता हूँ, एक बार लिखोगे तभी आपके जहन में वो पैदा होगा कि नहीं मैं करता हूँ कुछ इसके लिए, मैं इसके लिए कुछ काम करता हूँ, और उस वही सक्सेस आपको लेके आएगा। कैश हो गया, लर्निंग हो गया। अब जो है आपके पेरेंट्स को पैसे देते हैं, पेरेंट्स या फिर रिलेटिव्स को, आपका यहाँ पे पूरा फैमिली कवर हो गया, आपका इनकम सही है, गाड़ी है, बंगला है, दौलत भी है और लर्निंग भी हो गया। अब आपका फैमिली स्टेबल है। आपका फैमिली अगर स्टेबल है तो आपको आपका पेरेंट्स का देखना पड़ेगा, आपके पेरेंट्स या रिलेटिव। आप सोचो आपके पास बहुत पैसा है मगर बूढ़े माँ बाप को आप कभी कभार 1,000-2,000 रुपया दे रहे हो, क्यों? इनको दीजिए 40,000-50,000, मेरे पास पैसा है, ले लो, आप अपने तरह जीवन जियो, बुढ़ापा आ गया तो क्या है। इसके लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कितना है। आपके रिलेटिव आया, किसी का बहन की शादी या फिर आपके मामा का भांजे का बेटा का शादी, दूर का रिश्ता है तो क्या है, आपके पास आया कुछ होगा मदद करने के लिए, आप बोलेंगे मैं शादी दे देता हूं, आपका दिल में जो सुकून आएगा वो आप कहीं पे नहीं मिल पाएगा, वो क्योंकि आपका फैमिली अब स्टेबल है और आपको यहां पे हेल्प करना है। दो पॉइंट बचा हुआ है, एक हाँ ट्रेवलिंग एंड सपोर्ट टू सोसाइटी। ट्रैवलिंग सब कुछ हो गया, आप सफर नहीं करना चाहोगे, आप चार धाम शायद जाना चाहते हो, या फिर आप पेरेंट्स के साथ कहीं घूमने के लिए जाते हो जाना चाहते हो, या फिर आप इंडिया के बाहर एक बार जाना चाहते हो, इंडिया के बाहर आप हमारा सक्सेस सेमिनार अटेंड करने के लिए जाना चाहते हो, ये भी ट्रैवलिंग के अंदर आता है। कब जाना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो, किसके साथ जाना चाहते हो, कितने दिन रहना चाहते हो, आपको डिटेल्स में लिखना है, कहाँ, वेयर, कब, व्हेन, कितने दिन के लिए, हाउ मेनी डेज। किसके साथ, विथ हूम। आप अगर ये डिटेल्स में लिखोगे आपका काम तो वहीं पे हो ही गया, क्योंकि आप जिस वक्त ये इसको आप लिख पाओगे उसी वक्त आपके दिमाग और हर चीज काम करने के लिए स्टार्ट करते हैं। अरे आपके पास ड्रीम है ही नहीं तो वो ड्रीम कैसे करके आपके पास आएगा। मेरे पास अगर करोड़पति बनने का कोई ड्रीम नहीं है तो वो करोड़पति आएगा भी तो आप उसके तरफ ताकोगे भी नहीं। तो इसके लिए आपके पास ड्रीम होना बहुत जरूरी है। सब कुछ कर दिया और सोसाइटी को हेल्प नहीं किया। आपने पढ़ाई करते वक्त ऐसा भी होता है कि एक गरीब टीचर था, उसको मैं हेल्प करना चाहता हूँ मगर मेरे ज़िंदगी में मैं उसे कभी हेल्प नहीं कर पाया। आपके घर के पास एक बच्चा है, वो पढ़ नहीं पाता है, बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है मगर उसके पास पढ़ाई करने का पैसा नहीं है, आप उसको सपोर्ट किए, ये होता है सोसाइटी को सपोर्ट। आप अगर पॉइंट में देखा जाए तो आपका इनकम, एक एक पॉइंट में चलते हैं, एक एक पॉइंट को 10 में डिवाइडेड करते हैं, ऐसे करके छोटे 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 डिवाइडेड हुआ, ठीक है हाँ? करेंटली आपका इनकम, आपको कितना करना है, 5,00,000। अच्छा आपका करेंटली इनकम जो है 5,000 रुपया पर मंथ है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा तो नहीं चाहता हूँ, तो फिर 1 पॉइंट किया। कार आपके पास लाइसेंस ही नहीं है, चलिए, और कार भी नहीं है, 0। घर आपके पास 700
स्क्वायर फीट का है मगर आपको चाहिए 2000 स्क्वायर फीट, सो तीन कैश, 1 करोड़ नहीं, आपके पास 10 लाख है, तो 1 पॉइंट हो गया। लर्निंग कभी तक पढ़े, अच्छा ठीक है कॉलेज डिग्री तक पढ़े, अभी तक एमबीए बाकी है, अच्छा 5 दे दिया वहां पे। और पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए जो है आप अभी कुछ कुछ पैसे देते हो, ऐसा नहीं है, तो आपको इतना पैसा देना है, अभी 2 तक देते हो, ठीक है। ट्रैवलिंग गए हुए हो आप इंडिया में कुछ कुछ जगह पे, सो 10 से आप 4 दे देते हैं, ठीक है। बाहर अभी तक जाना है आपको। सपोर्टिंग सोसाइटी, करना चाहते हो मगर पैसे के लिए आप कर नहीं पा रहे हो, अच्छा फिर भी करते हो, 1 दे दिया, तो आपको अगर इसको कनेक्शन किया जाता है तो ये आप देख रहे हो आपका गोल है ऐसे टायर के तरह, और आपका अभी का रिजल्ट जो है ऐसे, आप ही बताओ आपका लाइफ का जो चक्र है वो चलेगा, वो तो ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा और थम जाएगा है? उसके लिए आपको यहां तक पहुंचना है, पूरा गोल बनाना है, तभी जाके आपका लाइफ जो है स्मूथ चलेगा। इसे बोलते हैं सक्सेसफुल का चक्र, और ये लाइफ सिनेरियो में आप खुद लिख सकते हो। ये लिखने के बाद आप उसको हर दिन देखना, मैं कितना दूर तक आया, मुझे क्या करना है, सक्सेस आपके पास झक मार के आएगा, झक मार के नहीं, नहीं सक्सेस आपके पास जरूर आएगा, सक्सेस आपके पास आएगा ही आएगा। हमारे लाइव सिनेरियो में हर बार सक्सेस सेमिनार के बाद हमारा लाइव सिनेरियो होता है, और हर कंट्रीज में हम लोग ये लाइव सिनेरियो फॉलो करते हैं। तो आज आपको बताया मैं कि सक्सेस का मूल मंत्र क्या है, और उसके बाद हमारा लाइफ का ये जो बिग सर्कल है, हमारा बॉडी कैसे करके डिवाइडेड है और क्या चाहता है, अंत में उसके साथ हमारा मूवी कैसे बना, जैसे कि आप देख सकते हो ये इनकम, कार, हाउस, ये हमारा फ्लैश या मास के साथ जुड़े हुए होते हैं, पेरेंट्स का, रिलेटिव का, लर्निंग का, ये सब जो होता है हमारे स्पिरिट के साथ जुड़ा हुआ होता है, ये ट्रैवलिंग जो होता है ये अच्छा लगता है आपको शरीर में, लग्जरी जो होता है वो अच्छा लगता है, वो हमारा सोल के अंदर आता है, और एनवायरमेंट के लिए आपका लाइफ में पूरे सोसाइटी को हेल्प करने के लिए आपका सपोर्टिंग सोसाइटी जो है वो भी आता है। सो हमारा ये जो 4 चीज़ से हम लोग बने हुए हैं, हमारा एनवायरमेंट लेके, ये इस चक्र में पूरा डिपिक्ट किया गया हुआ है, मैं बोल दिया हुआ हूँ। आप अपना लाइफ सिनेरियो ज़रूर बनाइए और उसमें फेथ रखिए कि मैं 5 साल बाद करोड़पति बनूंगा, मैं 5 साल बाद सेल्स मास्टर बनूंगा, या फिर स्टार मास्टर बनूंगा, या फिर इंपीरियल बनूंगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आप डिसाइड करते हो आपको क्या बनना है, उसके फेथ के ऊपर, उसके विजन के ऊपर आपका सक्सेस डिपेंड करता है। आप जितने डिटेल्स में वो इमेजिन करोगे, वो सपना लिखोगे कागज में, उतना जल्दी आपके पास सक्सेस आएगा। हमारे चेयरमैन बोलते हैं अगर आप विविडली डिटेल्स में अगर आप सपने देखते हो तो वो सपना आपके लिए पूरा जरूर होता है। इफ़ यू ड्रीम विविडली दैट ड्रीम विल डेफिनेटली फुलफिल, ऐसे करके हमारे चेयरमैन डॉक्टर हान गिल पार्क बोलते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप सक्सेसफुल बनो, और आज जो आपको बोले उसका आप 100% फॉलो करो, सक्सेस आपके साथ रहेगा, सक्सेस आपके पास जरूर आएगा, और एटमी वही सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म आपको देता है जहाँ पे आपको सिर्फ अपना पैशन बनाना पड़ता है, आपका फेथ रखना पड़ता है, और आपका ड्रीम जो होता है वो सक्सेसफुल होता ही है। आपको धन्यवाद बोलूँगा इतने देर तक मेरे साथ जुड़े हुए थे इसीलिए, और मैं फिर वापस आऊँगा आपके साथ, आपके सामने नया कुछ लेके। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।